हेलो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज बहुत लंबे समय बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और आई नो आप लोग के माइंड में भी ये बात आ रही होगी कि आज मैं इतने लंबे समय बाद ब्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ। समथिंग एक महीने पहले मैंने ब्लॉग शूट किया था, और वो भी सब मेरे गांव के थे, व्लॉग्स थे। और यहाँ आने के बाद मैं एक भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसा टाइम नहीं लग पाता है मुझे, और मेरे घर पर भी कुछ काम वगैरह चल रहा था जिस वजह से मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था। अभी इस गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग गाँव गए हुए थे, और वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स भी बनाए हैं जो कि मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। और गाँव में काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है व्लॉग्स बनाने में। बट यहाँ आने के बाद मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि एक तो टाइम शेड्यूल बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, और घर पर भी कुछ काम वगैरह चल रहा था जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और आज मेरा व्लॉग शूट करने का खास रीज़न ये है कि आज है मेरी देवरानी का हैप्पी वाला बर्थडे, जिसकी पार्टी इवनिंग में होगी। और अभी वो लोग प्रिपरेशन के लिए कुछ मार्केट गए हुए हैं सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और लंच बनाने का टाइम हो चुका है। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ सांभर, जो कि घर में मेरे ऑलमोस्ट सबको ही पसंद है, और बहुत लंबे समय बाद भी बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और सांभर बनाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं सांभर बनाने की प्रिपरेशन। मम्मी ने यहाँ पर सब्जी वगैरह सब काट दी है मेरे आने तक। तो मम्मी क्या क्या सब्जी काटी है इसमें आपने? इसमें लौकी, बैंगन, कद्दू, टमाटर। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ पड़ी होंगी उतना अच्छा फ्लेवर आता है सांभर में। तो अब मम्मी ने यहाँ पर काट दी सब्जी, तो चलिए मैं फटाफट से इसको बना देती हूँ। तो सारी सब्जी वगैरह तो मम्मी ने काट दी है। अब इसमें पड़ेगी अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल भी कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर इमली भी भिगा दी है, और इमली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सांभर के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्याज को फ्राई करेंगे, और उसके बाद सारी सब्जियाँ इसमें डाल देंगे। और सब्जी यहाँ डालने के बाद इनको थोड़ा सा अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे अरहर की दाल, और इसे डालकर इसे भी अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसमें पानी मिलाएंगे, जितनी भी आपको इसकी थिकनेस रखनी है सांभर की, आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। दोस्तों सांभर बनने मैंने रख दिया है, और चावल मैं पहले ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और आज मैं सांभर दूसरे तरीके से बना रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग ट्राई किया जाए, और देखते हैं कि किस कैसा बनता है। तो अभी मैं इधर हूँ, और मैंने उधर रूम बंद कर रखा है क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं काफी ज्यादा। तो चलिए चलते हैं बच्चों के पास, और देखते हैं कि अभी वो लोग क्या शैतानियां कर रहे हैं। तो ये है वो दरवाजा जिसके पीछे मैंने अपने बच्चों को कैद करके रखा हुआ है। तो आइए चलिए चलते हैं। क्या कर रखा है ये देखिए, आप लोग यकीन नहीं मान रहे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पाती हूँ करके। तो ये देखिए, ये है सच्चाई, ये है ऑफ कैमरे की सच्चाई कि यहाँ ये आतंक मचा रखा है इन्होंने। यहाँ पे टीवी चल रही है इन लोगों की, एंटरटेनमेंट भी चल रहा है पूरा इन लोगों का, और यहाँ पे ये शैतानियां भी चल रही है। अब ये सारा मेरे लिए फैला रखा है इन लोगों ने। हेलो बोलो सबको, चलो हेलो बोलो, हेलो बोलो। ये किसने किया है? अच्छा एक चीज और है इनकी पॉलिसी, पता है क्या कि अगर किसी ने कोई शैतानी कर रखी है और मैं बोलूंगी कि किसने करी है, तो अपना नाम नहीं लेते हैं, दूसरे का नाम लेते हैं। किसने करी है बाबू? ये किसने फैलाया बताओ, किसने फैलाया? खराब मत कर दो। अभी कितना सच बोल रहा है, मैं बोल रहा है, मैं तो नहीं बोलते, एक दूसरे का नाम लेते हैं। ये क्या है बाबू? चलो लगाओ, चलो जगह पे लगाओ, जगह पे लगाओ। खाना तो अब मैंने बनने के लिए रख दिया है, लगभग थोड़ी देर में वो बन ही जाएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी साफ़ सफाई कर दी है जो कि मेरे बच्चे ने फैला दी थी,
और देवर देवरानी जी गए हैं मार्केट बर्थडे की शॉपिंग के लिए गए हुए हैं और इवनिंग में बोल तो रही है कि बहुत सारी रेसिपीज़ वो आज बना रही है और वो फर्स्ट टाइम ट्राई भी करी, तो मैंने बोला है कि भैया पार्टी तो बढ़िया होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इवनिंग में मेगा पार्टी में क्या क्या खिलाने वाली है और अगर कुछ हेल्प उसको मेरी चाहिए होगी तो वो भी मैं करूँगी। अभी थोड़ी देर में ही वो लोग आने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कि वो लोग क्या क्या शॉपिंग करके आते हैं। बर्थडे गिफ्ट बेटिया, अच्छा चलो अंदर देखते हैं बर्थडे गिफ्ट। आ जाओ आ जाओ, अच्छा हो गया, ये तो जबरदस्त की चीज है, बहुत पैसे लग गए यार। बर्थडे तो इनका होता है, हमारी कहां पे आती है, ज्यादा लग गए क्या? हैप्पी टू यू, जिसका उसको तो बोलने लगा, तो हैप्पी टू यू कर दिया बाबू। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ मेघा के रूम पे और अभी बज गए हैं लगभग शाम के 6:30 और मेघा प्रिपरेशन कर रही है पार्टी की, तो चलिए देखते हैं किचन में जाके कि उसने क्या क्या प्रिपरेशन कर लिया है। तो अब मैं आ चुकी हूँ मेघा के किचन में और यहाँ पे देखिए पता नहीं कब से लगी हुई है ये यहाँ पर प्रिपरेशन में और ये तो कुछ बना भी चुकी है, चलिए देखते हैं क्या बनाया। ये बन चुका है मेघा का पाव भाजी का भाजी और यहाँ पर क्या रखा है, और यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पर बनने वाली है चाउमीन तो जिसके लिए पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मतलब प्रिपरेशन मेघा ने लगभग सब कर ही दिया है, यहाँ पर सब्जी वगैरह काट दिया चाउमीन की और यहाँ पर मेघा अभी रेडी नहीं हो रखी है किचन में लगी हुई है कब से और पूरे पसीने से तरतर हो गए क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम भी गर्म हो रहा है, वो तो है ही। तो फिर मेघा जी कैसा लग रहा है अपने बर्थडे वाले दिन किचन में मेहनत करते हुए? लेडीज तो ऐसी है ना, मतलब अपना ही बर्थडे है और अपनी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है बैठने का, अपनी मेहनत करनी है और बस क्या स्पेशल हुआ ये। तो यहाँ पे अब चाउमीन उबलने के लिए रख रहे हैं और यहाँ पे डाल दिया है ऑयल ताकि चाउमीन हमारी चिपके ना आपस में। नमक नहीं, नमक की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये है पाव, पाव भाजी के अब यहाँ पर सभी लोग परिवार के आ चुके हैं और बर्थडे गर्ल भी यहाँ पर बैठ चुकी है और वहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है केक वगैरह लाने की। नव्या का बर्थडे है, अभी से नव्या प्रिपरेशन कर रही है केक आ गया भाई। और यहाँ पर बर्थडे केक भी आ चुका है और ये है कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट केक है। और ये देखिए बेटा रुक जा थोड़ी, ये रुक जा, इसे बिल्कुल सब्र नहीं है, कट करेंगे उसके बाद खाएगा ठीक है बेटा। तुम दोनों चश्म पहनो, चश्म चश्म पहनो, हीरो तैयार, चश्म पहन बेटा, अब बैठ जाओ सोफे में बैठा दो, तो एक एक इनको गोद में बैठा दो, पैर नहीं, पैर नहीं, पैर नीचे, अब हिलना नहीं तभी केक मिलेगा आप लोगों को ठीक है। और क्या करना है, क्लैपिंग, क्लैपिंग करनी है। अभी आप आगे से आओ ना। और यहाँ पर कैंडल्स भी आ चुकी हैं, अब कैंडल कितनी लगा रहे हो? अरे एक कैंडल लगेगी, एक 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 लगी तो उधर जाके चाचा के पास, इसे ये तो नहीं चलेगा, ताली बजाना बेटा ठीक है। चश्मा उल्टा पहना है क्या लवी ने? चश्मा सही पहना है, पूछो खुश हो गया ये? नहीं नहीं बाबू कुछ नहीं है, क्लैपिंग करोगे जो तुझे क्या था ये, चलो आजा जा जा जा।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मेघा, हैप्पी बर्थडे टू यू।